दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मेमोरी यूनिट्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ऐसे आप सभी ने अपने मोबाइल फोन में या फिर कंप्यूटर में मेमोरी का तो इस्तेमाल करते ही होंगे, पर उसके अलग अलग मेमोरी के साइज होता है, जैसे 1 GB, 2 GB, 1 TB, इस तरह के अलग अलग मेमोरी के अलग अलग यूनिट्स भी होता है। तो आज मैं आपको मेमोरी के सारे यूनिट्स के बारे में एक एक करके समझाऊंगा और यूनिट्स के सारे प्रकार के बारे में भी पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हो। तो आप भी अगर मेमोरी यूनिट्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है मिथुन और आप देख रहे हैं डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मिथुन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मेमोरी यूनिट्स का सबसे छोटा यूनिट यानी कि जिससे शुरू होता है वो है 1 binary digit से, और ये binary digit 1 bit के बराबर होता है, और ये बिट ही कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और उसके बाद जो दूसरा यूनिट है वो है निबल, और 1 nibble का मतलब 4 bits होता है, या फिर आप 1 nibble को हाफ बाइट भी बोल सकते हैं, और इसमें 1 byte का मतलब होता है 8 bits। और उसके बाद जो है वो है 1 kilobyte, और kilobyte का शॉर्ट फॉर्म है KB, और ये 1 KB का मतलब है 1024 bytes। उसके बाद है 1 megabyte जिसका शॉर्ट फॉर्म है MB, और 1 MB का मतलब है 1024 KB। उसके बाद आता है 1 GB जिसका शॉर्ट फॉर्म है GB, और 1 GB का मतलब है 1024 MB। नेक्स्ट आता है टेराबाइट यानी कि TB, और यही से कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट के लार्जेस्ट यूनिट का शुरुआत होता है, और 1 TB का मतलब है 1024 GB। उसके बाद है पेटाबाइट जिसका शॉर्ट फॉर्म है PB, और 1 petabyte का मतलब है 1024 TB। उसके बाद है एक्साबाइट जिसका शॉर्ट फॉर्म है EB, और 1 exabyte का मतलब है 1024 PB। उसके बाद है जेटाबाइट और इसका शॉर्ट फॉर्म है ZB, और 1 zettabyte का मतलब है 1024 EB। उसके बाद है एट्टाबाइट और इसका शॉर्ट फॉर्म है YB, और 1 exabyte का मतलब है 1024 ZB। उसके बाद है ब्रोंटोबाइट और इसका शॉर्ट फॉर्म है BB, और 1 brontobyte का मतलब है 1024 YB। और उसके बाद जो लास्ट और सबसे लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट है वो है जियोबाइट, और इसका शॉर्ट फॉर्म है GB, और जियोबाइट किसी के भी बराबर नहीं होता है क्योंकि ये कंप्यूटर के मेमोरी का सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, और ये जो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी के यूनिट है वो है बिट। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से मेमोरी यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ के मेमोरी के यूनिट्स को बढ़ाया गया है, और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए होंगे मेमोरी यूनिट्स के बारे में। और आपके मन में भी अगर मेमोरी यूनिट से जुड़े हुए किसी भी तरह का सवाल या फिर सुझाव रहता है तो आप नीचे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, और आने वाले समय में और भी नए नए ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।